हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से भागलपुर समाहरणालय कचहरी चौक पर अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर किया गया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। भागलपुर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बैनर तले आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन भागलपुर के समाहरणालय स्थित कचहरी चौक पर किया गया। इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, भूमिहीनों को आवास के लिए और खेती करने के लिए जमीन दी जाए, भूमिहीनों और लाचार लोगों को अतिक्रमण के नाम पर लोगों को परेशान ना किया जाए, वृद्ध लोगों को वृद्धा पेंशन दी जाए, तारीफ पर प्रतिबंध समाप्त किया जाए, शिक्षकों को राजस्व कर्मी का दर्जा दिया जाए, रसोइयों और सफाई कर्मियों की वेतन बढ़ाई जाए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे 13 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी रहा, जिसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार, संजय यादव, लक्ष्मीकांत, सनोज यादव, गुरु रविदास, दिलीप मंडल, विकास कुमार के अलावे दर्जनों हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सैकड़ों के अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या चीज को लेकर धरना दिया? धरना हम लोग जो है भूमि के प्रचार दिलाने के लिए धरना दिया है, और जो है कि पटना में जो लाठीचार्ज अत्याचार करवाई नीति जी और तेजस्वी जी उनके खिलाफ में भी हम लोग धरना दिए। क्या उद्देश्य है धरना का? क्या उद्देश्य है धरना का? उद्देश्य है गरीबों को जो है कि भूमिहीन को भूमि दिलवावे, पर्चा दिलवावे। क्या सब मांगे हैं आपके? मांग है अति भूमिहीन को अति गरीब को जो भूमिहीन जो 5 एकड़ जमीन दिलवाए और कृषि जो हो गया 1 एकड़ जमीन दिलवाना, जो पर्चाधारी पर्चा मिला उसको पर्चाधारी को पोजीशन मिला। अपना परिचय दीजिए। तनोज यादव, युवा जिलाध्यक्ष। धरना का उद्देश्य है ये जो नीतीश तेजस्वी की जो सरकार है, ये सरकार जो गरीबों के साथ वादा किया था वो वादा के ऊपर खरा नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी जी का मांग है कि जो भूमिहीन बिहार में है उसे घर बनाने के लिए 5 डिस्मिल जमीन दिया जाए, और जो जिसको खेती के लिए जमीन नहीं है वैसे गरीब आदमी को 1 एकड़ जमीन जो नियमित है उसको 1 एकड़ जमीन खेती के लिए दिया जाए। जो व्यक्ति को पर्चा मिल गया है लेकिन उसको दखल नहीं मिला दिया गया है, अतिक्रमण कर लिया गया है जमीन पर, उस अतिक्रमण को हटा करके जिसके नाम से पर्चा कटा है उस पर्चाधारी को जमीन पर दखल दिलाना सरकार का दायित्व है और सरकार इसको दिलावे। जैसे वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है उसको 1000 रुपया वृद्धा पेंशन सरकार को करना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। तारी पर जो प्रतिबंध है, जो पासी जाति को बेरोजगार कर दिया गया है, तारी शराब में नहीं आता है जैसा कि हमारे नेता डॉक्टर संतोष कुमार सुमन भी बोला करते हैं और हमारे नेता जीतन राम मांझी भी बोलते हैं कि तारी पर भी प्रतिबंध हटना चाहिए, जिससे कि जो है परमानेंट करना चाहिए, सरकारी वेतन मान में लाना चाहिए। इसी यही हमारी मांगे हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भागलपुर अशोक नगर जिला।